मॉर्निंग गाइस, आज का दिन ना बहुत ही अच्छा है। पूरे काले बादल हुए पड़े, पूरी बारिश हो रही है यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ, शायद बारिश आपको यहाँ से पता लगेगी। हाँ, और नहीं काले हुए पड़े। आजा आजा मैं दिखाता हूँ। काले बादल तो किसी से भी नहीं है। ये काले बादल ऊपर, वो तो एक छोटा सा है, बाकी तो पूरा व्हाइट ही है ना। हाँ, तो बादल तो हुए ना काले। तो वेलकम बैक टू रिचा एंड सौरव। ओह माय गॉड, एकदम से एक्शन आ जाती है। तो गाइस, सुबह के ना 10:45 बज चुके हैं और आज ना बड़े अच्छा दिन है। आज रिचा ने मुझे उठाया नहीं कुछ भी करने के लिए। सुबह उठते, मेरे उठने से पहले सारी चादर चुदर सब सेट हो चुकी थी घर में। उठाया तो बहुत अच्छा दिन हो गया। हाँ, तो मेरे को काम नहीं करना पड़ा आज, तो मतलब किस्मत मेहरबान होगी मेरे ऊपर। तो गाइस, आज सुबह बना रही है रिचा पोहा, और ये वाला पोहा बन रहा है, पोहा पावा मीडियम। जब तक ये पोहा बनाती मैं आपको घर का टूर देता हूँ। तो पहले तो ना ये देखो, हमारे मुंडू ने सफाई पूरे कर दिए बाहर, तो वो भी काम बच गया मेरे लिए। तो और अभी दिखाता हूँ ये वाला रूम, फर्स्ट रूम नंबर वन। देखो, मैं रात को यहाँ पर सोया था, काम कर रहा था थोड़ा लेट, तो मैंने भी कितना अच्छे से सफाई की है, बेडशीट झाड़ दी है, तो ये अच्छी होगी है। और जाता हूँ रूम नंबर टू में, जिसको रिचा ने सेट किया है। आप देखो कि एकदम बढ़िया सा रूम सेट किया है, पर बीच में एक नमूनी चीज कर दिया रिचा ने। ये देखो, बीच में ना इसको ना कोई कारपेट मिला था, इसको ऐसे दो पीस में काट के ना इसने यहाँ पर और यहाँ पे ऐसे रख दिया है। तो ये एक सेकंड, इधर। हाँ? तो ये गाइस, ये देखो, घर पे मुझे कारपेट मिला तो मुझे लगा कि चल डिजाइन के लिए आधा इधर और आधा उधर बिछा देती हूँ। मुझे लगा शायद अच्छा लगेगा। काट उसको, काट के लगेगा तुम्हें। नहीं, सरप्राइज पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा गाइस कि मुझे ये नमूनी बोलूं क्या बोलूं इसको, क्योंकि ये जो ऐसे गाइस, आप बताना कि आपको ये चीज अच्छी लगी कि नहीं। अगर आपको अच्छी लगी होगी ठीक है, नहीं तो फिर मैं हटा दूंगी। हाँ बिल्कुल, बताना, कमेंट करके बताना। और देखो, आज नहा तो मैं भी फ्री हो चुका हूँ, तो ये वाला आई थिंक बाथरूम आप लोगों ने नहीं देखा होगा, तो तैयार हो चुका हूँ। काफी लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि सौरभ भाई आपने काफी वेट लूज कर लिया है, तो थैंक यू सो मच। मेरे फिर से 2-3 किलो और बचा है, और उसके बाद तो फिट एंड फाइन हो जाऊंगा क्या वापस। आज ना समय नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। आज ना हमने प्लान किया था कि एक ना लोकल मार्केट में जाएंगे, एक्चुअली चाइना टाउन जाएंगे, चाइना मार्केट में। चाइना मार्केट अलग है, लोकल मार्केट अलग है। हाँ, तो मैं सोचा लोकल मार्केट है, कैमटन लोकल। हाँ, तो हम सोच रहे थे कि क्योंकि ये मार्केट ना दोनों ओपन है, तो बारिश में तो मुझे लग नहीं रहा कि आज ये प्लान हो पाएगा। बारिश बहुत तेज है, ठंडी हो रही है। हाँ, और हमने वेदर चेक किया तो आज तो फुल डे ऐसी ही बारिश है। सावन का महीना है ना, तो सावन के महीने में बारिश तो होती है, और हमारे तो वैसे भी सर्दी गर्मी कुछ भी हो, बारिश तो ओवर रहनी रहनी, जहाँ के मौसम का कुछ नहीं पता चलता यूपी में। कब ठंड हो जाए, कब गर्मी हो जाए, कब हम शॉर्ट्स पहन लेते हैं गाइस, कब हमें स्वेटर पहनना पड़ जाता है, स्वेटर का जैकेट। हाँ, हम लोगों को ना सारे सीजन के कपड़े एक बार में रखने पड़ते हैं, हम ऐसे नहीं कर सकते इंडिया में। जैसे कि आप गर्मी आ गई है तो सर्दी वाले कपड़े अंदर रख दो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि जैकेट्स भी हमारी रेडी रहनी चाहिए, शॉर्ट्स भी हमारी रेडी रहनी चाहिए। एक सेकंड, एक चीज बता। ये तो मेरी टी शर्ट है, छोटी हो गई तो मैंने ले ली। ये मेरी गुच्ची की टी शर्ट, इसने मार लिया। ये ऐसी हालत है, देखो तुमको पता ही नहीं, दो बार पहन ली ऑलरेडी। फाइनली पोहा इज रेडी, और अभी हम पहले पूजा करेंगे। सौरभ ऑलरेडी पूजा के लिए बैठ चुका है। जय माता दी। सनन डाल रहे हैं पोहा। ये किस तरीके से डाल रही हो, बाउल में डाल के रखना था ना। मैं सीधे प्लेटों में डाल दी है। इस आसान काम ही करता है यार ये, खिला के रख दिया पूरा। एक बात बता, पहले खाने का वो मजा नहीं आता, पहले बाउल में डालो, फिर बाउल को उधर रखो टेबल पे, फिर बाउल से प्लेट में डालो, एक ही बार में काम खत्म करो, फटाफट खाने में भूख लग रही है। Few moments later. आज तो ना मतलब खुशखबरी में खुशखबरी मिली है। पहली खुशखबरी, इंडिया ने गोल्ड जीता। सेकंड खुशखबरी, इंडिया आज ना रेड लिस्ट से एम्बर लिस्ट में एंटर हो चुका है। तो अब जो मतलब गाइस, हम लोगों को ये सोच रहे थे कि यार इंडिया कैसे विजिट करेंगे, जैसे हर साल हम जाते हैं तो हम लोग बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूज थे कि इस साल नहीं जा पाएंगे। लेकिन जैसे ही ये न्यूज आई कि संडे 8 अगस्त को 4 बजे से इंडिया जो है एम्बर लिस्ट में आ रहा है ना, तो अब या वापस आते हुए, जैसे जो लोग इंडिया से आ रहे उनके लिए तो बेनिफिट हो ही गया, जैसे स्टूडेंट्स आ रहे सबको, उनको होटल क्वारंटाइन नहीं करना है, तो 1700 पाउंड से लेके 2000 पाउंड उनका बच रहा है हर पर्सन का। और हम जैसे इंडिया से जाना, यूके से इंडिया जाना चाहते हैं,
वापस आने के लिए हमें ये प्लान करे थे यार, रेड लिस्ट में है तो कैसे प्लान करे सब कुछ। गाइस की बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे तो हमने सोचा कि हम लोग वीडियो में क्लियर कर देते हैं कि यस आप लोग अभी आएंगे तो आपको क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा। होटल क्वारंटाइन जो है वो खत्म हो गया है एम्बर लिस्ट में आने की वजह से। और दूसरा ये है कि जो लोग भी आ रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट, क्योंकि उनके लिए एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। बहुत सारे कपल्स आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उनको एक तो पैसे बच रहे हैं, दूसरी बात है कि होटल में रहना, वहाँ का खाना भी आपको पता ही होता है कैसे होता है, मतलब ठीक है मैनेज तो हो ही जाता है बट स्टिल जो भी है। और तीसरी जो अच्छी बात है कि जो यहाँ पे एक सुनने में आया है, वी आर ऑल्सो नॉट श्योर कि कोरोना टेस्ट का जो चार्जेस थे बेसिकली, जो हमें 250 pounds पे करना पड़ता था, 150 pounds पर पर्सन जो लगते थे या 100 pounds प्लस लगते थे, आज के टाइम पे उस रेट को भी उसमें 50 pounds के पास हो गया है, हो गया तो है। खर्चा कम हो गया सब लोगों के लिए, तो काफी ना मतलब अच्छी चीजें हो रही है धीरे धीरे। और अगर आप वैक्सीनेटेड हो तो अच्छी बात है, बिकॉज अभी भी कुछ ना कुछ न्यूज आती रहती है डेल्टा वेरिएंट को लेके। तो वी आर जस्ट सेइंग कि अगर आप यहाँ पे मास्क पहनना जरूरी नहीं है अभी, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए आप पहनिए, जैसे हम भी पहनते हैं क्राउडेड प्लेसेस पे। अभी इतनी अच्छी प्राउड मोमेंट है, मैंने और सौरभ ने डिसाइड किया है कि क्यों ना इस चीज को सेलिब्रेट किया जाए और हम जाएंगे बाहर अभी इस चीज के लिए पार्टी करने, सेलिब्रेट करने, छोटा सा एक कुछ चीयर्स करेंगे हम अपनी मूवमेंट को। और ये देखो ब्लू नीचा तो पूरी ब्लू ब्लू बन चुकी है, और आप मानोगे नहीं ये जो शर्ट है ना ये मेरी है, ठीक है। कम से कम शुक्र है अपनी जीन तो अपनी डाली है, क्योंकि वो मेरी आएगी नहीं फिटिंग इसको। छुट्टी हो गई, तुमने दी थी मुझे कि मैं, मेरा मन नहीं कर रहा इसको फेंकने का, तो बिल्कुल नहीं है। हाँ। तू ले ले, चलो ठीक है। ऐसे पूरा मॉडलिंग की तरह तैयार होके जा रही है, क्या बात है एकदम। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही आए हम सेलिब्रेट करने। सौरभ कैसा लगा मेरा, मेरी पट्टी हुई आवाज में गाना, मतलब कान दर्द होने लग पड़े, बाकी ठीक है। यार ऋचा ये याद आया टेम्पल इन जिसपे तो बड़े मैंने किया था। हाँ उसने तो तेरे को एंट्री करनी थी बच्चों की जगह पे भी, बोला था तुम्हारा रेट अगर 55 तक भी होगा तो चल कर लिया था उसने, देखो अलाउ कर दिया था। मजा तो आता ही है ना बच्चों वाली चीजें करने में। सौरभ क्या खा रहा है यार आज मीठे में? ओके गाइस हम लोग ये ले रहे हैं वीगन में, आज सेलिब्रेट करेंगे मीठे के साथ। आज तो पार्टी बनती है, तो भैया आज तो पैल्टी सेलिब्रेशन के लिए ऋचा मजा रहे यम यम। हम बाहर आए हैं और पता नहीं हम लोगों को लगता है कि हम छोटी छोटी मोमेंट्स को ना सेलिब्रेट करें, जैसे हम दोनों यहाँ पे रहते हैं, फैमिली हमारी बाहर है, तो ऐसा कुछ अच्छा चीज होती है ना तो हमें लगता है कि हम एक्साइटेड हो जाते हैं दोनों, और आप लोगों के साथ शेयर करने में तो बहुत मजा आता है। अभी तक का ना इंडिया का बेस्ट ओलंपिक परफॉर्मेंस है, 7 medals मिल चुके हैं इंडिया को, और मैं तो चाह रहा हूँ इसमें 7 का 70 और 700 आए, मतलब सारे ही आ जाए, बट चलो एक एक करके इम्प्रूव हो रहा है इंडिया का परफॉर्मेंस ईयर बाई ईयर, तो अच्छी बात है। तो चीयर्स टू इंडिया। में पूरा घूम फिर के अब हम जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स को मिलने के लिए, और हाँ भैया इंडिया को गोल्ड मिला है, क्या बात है। ओ बारिश आ गई, अभी फ्रेंड से मिल के आए हैं, और अभी इसने ना अपना छोटा सा हेयर कट भी कराया, छोटू वाला हेयर कट, मतलब क्विक हेयर कट दिए और प्रॉपर बालों को ना मेंटेन किया था। हाँ मैं तो इसको कब से बोला था यार बाल कटवा ले, थोड़े से ना अच्छे नहीं लग रहे हैं। गाइस आज मेरी फ्रेंड ने कर दिया, वो बोली तू खुद तो जा नहीं रही क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा, तो मैं ही तेरे काट देती हूं, तो उसने मेरा जबरदस्ती पकड़ के काट ही दिए। चलो तो अभी वापस हम घर जाते हैं, शाम के 7:30 हो चुके हैं, 6:30 हुए, ओके 6:30 हो चुके हैं। फाइनली घर आ चुके हैं और ऋचा अपने कूलर भी उठा के ले आई है, ये 2-3 कूलर आ चुके हैं, और साथ में जैसे कि आपको पता है बाहर गई हो तो मैं कुछ तो खरीद के लेके आती हूँ, तो मैं बता देती हूँ कि आज हमने क्या खरीदा है। बताओ जी बताओ, आज तो मस्त वाली ऋचा ने अपने लिए क्या लिया है, पैंट कम आप उसको कुछ लोअर टाइप बोल सकते हो, टॉवल भी टॉवल नहीं हो तो यार
ये है गाइस, मुझे बहुत अच्छी लगी, जब पहनूंगी तो अच्छी लगेगी। क्या है ये इसमें गाइस? इसने ना अपनी वो बैटरीज मंगवाई है कार का, इसका जो होता है ना, हाँ कार के जो रिमोट होता है उसके सेल्स है ये वाले, उसके सेल्स है तो वो मंगवाए हैं, तो नथिंग एक्साइटेड कुछ भी। Oh my, कोई काम का नहीं है मेरे आइटम में तो फेंको, ये काम का नहीं है। अच्छा ये गाइस, हमने जो बड़े पिल्लो नहीं आए थे ब्रांड के, उसके लिए हमने कवर मंगाए क्योंकि हमारे कवर सेट नहीं हुए उसमें। हाँ गाइस, क्योंकि ना बड़ा साइज मंगाया ताकि उसके अंदर फिट आ सके। एग्जैक्टली, तो ये हमें बहुत फिट नहीं आने वाले। अब ये भी नहीं आए तो फिर तो पता नहीं क्या करेंगे। ये पता पैकिंग तो ऐसे की हुई है कि पता नहीं कौन सा खजाना आया हुआ है। ये मुझे भी नहीं पता है क्या है। वाओ, सरप्राइज, क्या है ये? कि मेरे लिए है क्या कुछ? देखो तो सही, खोल के क्या है ये? ओह, ये तो मुझे भी नहीं पता। मैट लग रहा है कुछ तो। तो खोलो तो सही। योगा मैट मंगवाया तुमने मेरे लिए? हाँ। क्योंकि तेरे को चाहिए था ना योगा मैट। मैं कौन सा योगा करती हूँ? और सुबह एक्सरसाइज तो करती है रोज घर में। इसके साथ एक्सरसाइज नहीं करनी, इसके ऊपर करनी एक्सरसाइज। खोल के देखते हैं कैसे बनता है ये, कैसे लगता है ये। वाओ, ये तो उल्टा आप कर लो ना, इसको चेंज करो। लिखा हुआ है ऊपर, ऑपोजिट करो ना, ऑपोजिट साइड। नहीं यही है ऊपर। अच्छा यही डिजाइन है। ओके, क्या बात है, सुंदर है। वाओ वाओ, एकदम मस्त वाला मैट है ये, देखो साइज भी बहुत बड़ा है। हाँ सही है यार, इसमें तो बंदा सो सकता है। हाँ तो ये इसलिए बना हुआ है कि इसको आप सो सकते हो, लेट के भी सारी एक्सरसाइज कर सकते हो। यहाँ पे पूरा गंद डाल दिया इसने, तो गाइस ये देखिए खोला किसने थी ये सारी चीजें। ये ना इसलिए पिल्लो कवर फिर छोटे आ गए गाइस, इतने मोटे पिल्लो है गाइस, इसमें कोई पिल्लो कवर ही नहीं फिट हो रहा। हाँ, और जब भी होता है तो क्या होता है, फिर पिल्लो एकदम से बड़े हो जाते हो, फिर नेक पे पेन करते हैं। चलो ठीक है, इनको ऐसे पीछे डो लगाने के लिए रख दो। यही पर एंड करते हैं, बहुत ज्यादा थक चुके हैं। अभी जाके एक ग्रीन टी पीऊंगा और साथ में फिर रिफ्रेश होके फिर ना कुछ खाने पीने के लिए करते हैं। और अपना प्यार देने के लिए हमें बहुत बहुत दिल से, तहे दिल से धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ कर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करिए प्लीज, हमारे साथ बनिए और अपना प्यार देते रहिएगा। गाइस हेल्प अस टू अचीव 10K fast and then we will have a party, Sora. Bye guys, stay safe.